ये है कि हम जब अपने समाज के कलाकारों की इज्जत करते हैं, उनके सलाम करते हैं, अपनी श्रद्धा उनमें प्रकट करते हैं, तो हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते हैं। हम ये साबित कर रहे होते हैं कि हम सभ्य हैं। एक समाज उतना ही सभ्य है जितना वो अपने कलाकार की इज्जत करता है। मैं सौरभ दफ्तरी साहब को, उनके साथियों को, इस संगठन को बधाई देता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा काम कई वर्षों से कर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे उनके काम का जो दायरा है वो बड़ा हो रहा है। ये देश अगर संगीत का और कविता का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये दुनिया का एक मुल्क है जहाँ पर एक ही मुल्क के अंदर दो प्राचीन पुरानी ट्रेडिशंस क्लासिकल म्यूजिक की, हिंदुस्तानी और कर्नाटक, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं कि जहाँ दो ट्रेडिशन, दो परंपराएं, कि कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं जो गाता ना हो। हम लोग गाते हैं, भले सुर है नहीं है, ताल है नहीं है, लेकिन गाते जरूर, कभी बाथरूम से बाहर, कभी बाथरूम के अंदर, लेकिन ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जो गाता नहीं, छुप के गाता है कभी कभी। मैं पूछता हूं कि हम में और वेस्ट में एक फर्क है। हम वहां संगीत सुनने के लिए होता है, यहां संगीत खुद गाने के लिए होता है। 2012 में जो सरकार ने, इस मुल्क के कानून ने हमको राइट दे दिया था, अभी थोड़े रुक जाइए, अभी रुक जाइए, रुक जाइए, अभी ताली ना बजाइए, इसलिए कि दुख की बात यह है कि वो कानून सरकार और आज की जो सरकार है उसकी तमाम मर्जी और कोशिश के बाद भी, हमारे तमाम लोगों की कोशिश के बाद भी, आज भी वो पूरी तरह अप्लाई नहीं हो पाया। आज भी लोग हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर को, जो कंपोजर को, जो राइटर को, जो संगीत गीत गाने वाले को पैसा देने को तैयार नहीं है, आज भी, जो कि कानून के खिलाफ बात है। जरा मालूम कीजिए कि जो इतने सारे एफएम्स हैं जो सुबह से शाम तक गीत सुनाते हैं, उन लोगों के जो किसी और ने बनाए हैं, किसी और ने लिखे हैं, किसी और ने गाए हैं, उन्हें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। जबकि कानून है कि जब भी कोई गीत बजेगा तो उसकी रॉयल्टी इन तीन लोगों को मिलेगी, मगर नहीं मिलती। अभी भी बहुत जगह से नहीं मिलती, हम लोग लड़ना है। और इतना मुझे विश्वास है कि आज भी जो सरकार है वो पूरी इसके पीछे है और उसकी पूरी मदद हमको है, और उन्होंने कहा आके बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो ये मुश्किल जो है अब ये चंद महीनों की है, अगले साल जब मैं आऊँगा यहाँ, अगर बुलाया दफ्तरी साहब ने तो मैं आपको बधाई दूंगा कि अब वो काम पूरा हो। धन्यवाद। इसमें चैरिटी ही जाती है। हम लोग इसको जो करते हैं प्रोग्राम को, उसका मकसद एक ही है कि इसमें पैसा इकट्ठा करें और जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें ज़रूरत है इस वक्त पैसे की हमारे कलाकारों को, उनको हम दें। ये हम हर साल कर रहे हैं, 7 साल हो गए करते हुए। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि जितने भी सिंगर्स हैं वो सब कहते हैं हमको गाना है। हमको चुनना पड़ता है कि हम इस साल किसको रखें। इस साल हमने 3 सिंगर्स रखे हैं, हमारे पास शान है, हमारे पास अंकित तिवारी है, पॉपोन है, और सभी गाना चाहते थे। मैं भी गाना चाहता था, उधर हरिहरन भी गाना चाहते थे, सोनू निगम गाना चाहते थे, लेकिन अब सबको रखेंगे तो सब गा भी नहीं सकते, इनफ टाइम नहीं मिलेगा सबको। तो हम हर साल 3-4 आर्टिस्ट चुनते हैं जो हमारे सपोर्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली हैं। तो इस बार ये 3 कलाकार पेश हो रहे हैं। इसमें जो पैसा इकट्ठा होने वाला है उसमें हम कुछ तो लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, कुछ लोगों को
कैश पैसे देते हैं, जैसे वनराज भाटिया जी को हमें पता लगा कि तकलीफ है, पैसे की ज़रूरत है, उनके लिए भी इस बार किया जा रहा है और भी लोगों के लिए किया जा रहा है। तो ये चीज़ होती रहेगी, चलती रहेगी, और वो इसलिए चलती रहेगी कि सौरभ दफरी जी जो हैं वो दिलो जान से इस काम को चाहते हैं कि ये काम होना ही चाहिए। तो सौरभ दफरी जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत इस काम को करते हैं, और हम लोग सब उनके साथ हैं। जब उन्हें ज़रूरत होगी हम कभी सिपाही की तरह खड़े हो जाएंगे, कभी सिंगर की तरह खड़े हो जाएंगे, जैसे वो चाहेंगे हम आ जाएंगे। ये जो फोक म्यूज़िक है ये क्लासिकल म्यूज़िक का जन्मदाता है, तो फोक म्यूज़िक पहले है, उसके बाद क्लासिकल म्यूज़िक आता है, फिर क्लासिकल म्यूज़िक में विद्या है, लेकिन फोक म्यूज़िक एक नेचुरल म्यूज़िक है, वहीं से सारे म्यूज़िक शुरू हुए हैं। तो हमें बहुत खुशी है, हमारे मुंबई में एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है अरबन तड़का, जो बहुत चलता है, तो ये एक नया तड़का है, इसका नाम है अरबन जोगी, और ये हीरो बैठे हुए अरबन जोगी के हमारे साथ, और ये सब कीरा जी जो है हद करेंगे, कमाल करेंगे, आप देखिएगा क्या ये लोग गाते हैं, कमाल करेंगे। हम लोग सब इंतज़ार में हैं इसको सुनने के। और ये जो नया बैंड है, नया ग्रुप है, इसमें खासियत यह है कि जो असली फोक म्यूज़िक हमारे देश का है वो पेश किया जाएगा, और सारी दुनिया में हम जाएंगे और इसको पेश करेंगे। हमको बहुत खुशी है कि अमित जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, उसके बिल्कुल हकदार हैं। तो अमित जी अब इंतज़ार है भारत रत्न का, जल्दी से वो भी मिलना चाहिए आपको।